हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं तस्वीर में, गोलघर यानी अभी हम पटना में हैं। और पटना जब आए तो हमें लगा कि गोलघर का वीडियो कवर करना चाहिए, और आ गए हम गांधी मैदान के जस्ट बगल में। आप आइएगा तो गोलघर पर आ जाइएगा, और यहाँ पर टिकट दर मात्र 10 रुपया है। 10 रुपया टिकट कटा करके इसके अंदर जा सकते हैं। और आप लोग को बतला दें कि सोमवार को अगर आते हैं तो यहाँ पर क्लोज रहता, बंद रहता है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो सोमवार छोड़ करके जितना भी डे होता है उसमें आ सकते हैं और गोलघर को देख सकते हैं। उसी तस्वीर को हम कवर करते हैं अंदर जा करके, और टिकट जैसा हम ले लिए हैं 10 रुपया का, चलते हैं इसके अंदर। यही है गेट के एकदम मुख्य द्वार के सामने आर्टिफिशियल ट्री, जो कि रात में शायद लाइट भी जलता होगा। आप लोग आइएगा तो इसको देख पाइएगा, और इसको अगर कलर कर दिया जाता तो और बेहद खूबसूरत देखने में लगता। और आप लोग देख पाएंगे यही सामने में गोलघर है, और चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। यहाँ का जो चार्ज लगता है 10 रुपया, क्योंकि यहाँ पर पार्क लगा दिया गया है और खेलने कूदने झूला वगैरह बहुत चीज़ यहाँ पर लगा हुआ है, जिसका चार्ज है 10 रुपया। और इसमें आकर के आप लोग घूम सकते हैं, इंजॉय ले सकते हैं, अपना कुछ समय इसमें गुजार सकते हैं, और तमाम चीज़ के बारे में आप लोग को हम बतलाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बतला दें कि ये सब पहले नहीं था, लेकिन अब जा कर के यहाँ पर तमाम चीज़ को मैंने अच्छा ढंग से बना दिया गया है। यही है पटना का गोलघर, जो एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है, जिसे लोग दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। और ये आखिर गोलघर है क्या, उसके बारे में आप लोग को हम बतलाएँगे। सब पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं, यानी गोलघर है, और गोलघर किस लिए बनाया गया था उसके बारे में हम चलते हैं, और कब बनाया गया था। तो गोलघर बनाया गया था अनाज को रखने के लिए, भंडार करने के लिए, क्योंकि 1770 में जो भीषण अकाल पड़ा था उसमें हजारों को हजार लोग मर गए थे। उसके बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग्स, उनके आदेश के अनुसार ये गोलघर का निर्माण किया गया, और निर्माण पूर्ण हो गया 1786 ईस्वी में। और उसके बाद इसमें एक बार अनाज रखा गया, लेकिन अनाज रखने के बाद इसका जो गेट होता है वो अंदर की ओर खुलता है, जिस कारण से तमाम अनाज इसमें सर गया, उसके बाद यूं ही पड़ा रह गया। उसके बाद ये एक तरह से ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मैंने अपना रह गया, और यहाँ पर लोग दूर दूर से लोग आते हैं, देखते हैं, और लोगों को ये रहता है जिज्ञासा कि अगर हम पटना जाएं तो गोलघर ज़रूर घूमें। तो इस गोलघर के बारे में विशेषता थोड़ा और बदला दें, खासियत ये है कि ये इतना बड़ा गोलघर बिना सपोर्ट के, बिना पिलर का बना हुआ है, और ऊंचाई की बात करें तो 96 फीट इसका ऊँचाई है, और इसका मोटाई की बात करें, जो दीवार का मोटाई होता है उसका लगभग 12 फीट उसका मोटाई है, और सीढ़ी की बात करें तो सीढ़ी इसका 145 सीढ़ी से आप ऊपर वो छोर पर जा सकते हैं। लेकिन पहले लोग जाते थे, अब लगभग 2011-12 के बाद बंद कर दिया गया, और रिपेयरिंग तो खैर हुआ है। और इसमें एक और खासियत है कि अगर इसके अंदर जो लेजर लाइट शो चलता था, इसके अंदर में अगर एक आवाज़ अगर आप लगाते हैं तो उसका रिटर्न आपको 27 से 32 बार होता है, ऐसा सुना गया है। तो चलते हैं देखते हैं क्या सही में इस तरह का आवाज़ आता है, तो चलते हैं देखते हैं। और अगर आप लोग भी पटना आते हैं, अगर आप लोग को इच्छा हो कि गोलघर आएँ, तो ज़रूर यहाँ पर आकर के देखें। और इसका चार्ज जैसे बतला दिए हैं शुरुआत में ही, इसका 10 रुपया चार्ज लगता है, और 10 रुपया चार्ज दे करके अंदर आ करके देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और बैक कैमरा से आप लोग को दिखाते हैं कि ये देख रहे हैं पहला गेट का ये सीढ़ी, इसी के माध्यम से लोग ऊपर पहले जाते थे, लेकिन अब बंद है, अब सिर्फ देख सकते हैं, घूम सकते हैं, और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पाइएगा बहुत सारा नाम लिखा हुआ है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। और ये शायद हॉल है, जिसमें गेट तो बंद है, अगर शायद रहता तो देखते
गेट भी बंद है और उसके अंदर एक दरवाज़ा और है वो भी बंद है। चलते कुछ नज़ारा, दृश्य तार का पेड़ बहुत सुंदर, यही कुछ दृश्य है, तस्वीर है पटना का गोलघर के अंदर ग्राउंड का। जहाज़ आप लोग देख पा रहे हैं, बगल में एयरपोर्ट है। चिड़ियाघर जाएंगे घूमने के लिए तब वहाँ पर देखिएगा, दिखाएंगे आप लोग को कितना ज़्यादा एरोप्लेन वहाँ पर, एरोप्लेन का आवागमन होते रहता है, वो चीज़ आप लोग को दिखाएंगे।